Nirmiti, Center for Learning Resources, Pune. We learn English. आओ अंग्रेजी सीखें. Part 20. दोस्तों, इस कोर्स की एक विशेषता है. यहाँ आपको सिर्फ सुनना नहीं है. हाँ, होशियार रहिए. आपको अंग्रेजी में बोलना भी है. इसलिए कोर्स में जो भी सिखाया जाए, उसे ध्यान से सुनना. कक्षा में मंगला के कुत्ते के आने से कैसी धूम मची थी ना. चलो देखते हैं कि आज क्या होता है. कल्लू कक्षा में कैसी उधम मचाता है. वो कैसे कर रही थी ना. हाँ बहुत बनती है. हाँ. कल्लू बाप रे, ये फिर आ गया. सारे बस्ते गिरा दिए, सब कुछ बिखरा दिया. कल्लू तुम भी क्या करे, आज तो जरूर डांट पड़ेगी. क्या कर रही हो तुम दोनों. सुनीता दीदी देखिए ना, कल्लू ने क्या कर दिया. अरे ये क्या उधम मचा रखा है बदमाश. देखिए ना कक्षा की क्या हालत बना रखी है. बाप रे, ये सब किसने किया. कल्लू ने. क्या कल्लू ने. अच्छा अच्छा कोई बात नहीं. चलो 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 फटाफट सब समेटते हैं. तुम्हारी टीचर के आने से पहले सब ठीक हो जाना चाहिए. ये whose book is this. My book. This is my book. ठीक है. ये लो रखो. वो किसकी किताब है. whose book is that. मैं ये पूछना चाहता हूँ, that मतलब क्या. संतोष जल्दी करो भाई, सवाल पूछते रहते हो हमेशा. That मतलब वो. वहाँ पढ़ी है ना वो किताब. Whose book is that? That is Nafisa's book. That is not Nafisa's book. That is Chandni's book. Yes, that is my book. And whose pencils are these? My pencils. This is my pencil. This is also my pencil. ये मेरी पेंसिल है. These are my pencils. These are my pencils. नहीं नहीं ये नहीं. This red pencil. This is my pencil. And that is your pencil. This is my pencil. नहीं नहीं वो नहीं. That is not my pencil. This is my pencil. हो गया. सबने अपने बस्ते बंद कर लिए. अच्छा ठीक है. आज तो सब तैयार है. शाबाश. क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो. टीचर जी पहले देखती आप, बदमाश कल्लू ने क्या उधम मचाई थी. अच्छा तो ये बात है. ठीक है सब समेट लिया ना, घर जाने का समय हो गया है. लेकिन कोई काम तो बाकी नहीं रह गया. मैं शैंपट साफ करता हूँ. लेकिन संतोष शैंपट को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बता जरा सुनीता दीदी को. ब्लैक बोर्ड. यस शैंपट. दिस इज अ ब्लैक बोर्ड. शैंपट को साफ करने वाली वस्तु को डस्टर कहते हैं. हाँ अंग्रेजी में भी डस्टर ही कहते हैं. और खड़िया को चौक. ग्रीन चौक एंड रेड चौक. वाह रंजना, शो मी द रेड चौक. हाँ देखिए ये लाल खड़िया रेड चौक. और ये हरी खड़िया ग्रीन चौक. वेरी गुड. ब्लैक बोर्ड, डस्टर, चौक. अब डस्टर से शैंपट साफ करो, खड़िया उठा के रखो. उसके बाद Shut the cupboard. Shut the window. And now, shut the door. अच्छा बच्चों कल समय पर आना. हाँ अब मैं चलती हूँ. अच्छा नमस्ते. टीचर जी आप चलिए, मैं बरामदे में थोड़ी देर बैठकर इन बच्चों के साथ बातें करती हूँ. Thank you.
आज के पाठ में सुने गए कुछ नए अंग्रेजी शब्द और वाक्य अब आप दोबारा सुन पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, हम बहुत धीरे धीरे बोलेंगे। टीचर जी, आप इन वाक्यों को नोटबुक में लिख लेंगे ना, ताकि अगले भाग में बच्चों से अभ्यास कराने में आपको सुविधा रहे। दिस इज माई पेंसिल, दीज आर माई पेंसिल्स, दिस इज हर पेंसिल, दीज आर हर पेंसिल्स, दिस इज माई बुक, दीज आर माई बुक्स, दिस इज हिज बुक, दीज आर हिज बुक्स। सुनने वाले दोस्तों, अब आपकी बारी है। स्कूल में या घर में, आप जहां भी हों, मेरे कहे अनुसार ही बोलिएगा, बिना किसी शर्म के, बिना किसी डर के। इसी तरह बोलते बोलते आपकी अंग्रेजी सुधर संवर जाएगी। साधारण बातचीत में कभी हम एक और कभी अनेक वस्तुओं के बारे में बातचीत करते हैं। आज हम इसी का अभ्यास करेंगे। पहले सब बच्चे अपने अपने बस्ते में से कोई सी भी एक पुस्तक निकालें। मैं कुछ देर रुकती हूँ। पुस्तक लेकर तैयार है ना सब? अब सब बच्चे अंग्रेजी में बोलेंगे। दिस इज माई बुक, यानी ये मेरी पुस्तक है। चलो मेरे बाद एक साथ बोलो, दिस इज माई बुक। गुड। अब और दो तीन पुस्तकें अपने अपने बस्ते में से निकालो। सब तैयार? तो फिर सब एक साथ बोलो, दीज आर माई बुक्स, मतलब ये मेरी पुस्तकें हैं। चलो सब बोलो, दीज आर माई बुक्स। अभी जिन वाक्यों का अभ्यास तुमने किया उन्हें मैं दोबारा कहूंगी, तुम उच्चारण की ओर ध्यान देना। दिस इज माई बुक, ये मेरी पुस्तक है। दीज आर माई बुक्स, ये मेरी पुस्तकें हैं। अब टीचर जी एक लड़की को खड़ा कराएंगे, वो अपनी एक पुस्तक लेकर तैयार हो जाए। अगर तुम्हारी कक्षा में लड़कियां ना हो तो तुम सिर्फ सुनो और मेरे कहे अनुसार बोलो। कोई लड़की अपनी एक पुस्तक लेकर खड़ी हो गई तो बाकी बच्चे बोलेंगे, दिस इज हर बुक, मतलब ये उसकी पुस्तक है। मेरे बाद सब एक साथ बोलो, दिस इज हर बुक। अब जो लड़की खड़ी है वो अपने बस्ते में से दो तीन और पुस्तकें निकाल ले। तैयार? तो अब बाकी बच्चे बोलेंगे, दीज आर हर बुक्स, मतलब ये उसकी पुस्तकें हैं। चलो मेरे बाद सब एक साथ बोलो, दीज आर हर बुक्स।
गुड। अब एक लड़का खड़ा हो जाए। पहले एक ही पुस्तक लेकर खड़ा हो और यदि कक्षा में लड़के ना हो तो तुम सिर्फ सुनना और मेरे कहे अनुसार बोलना। एक पुस्तक लेकर कोई लड़का खड़ा हुआ है ना, तो अब बाकी सब बच्चे अंग्रेजी में बोलेंगे, ये उसकी पुस्तक है। This is his book. ऐसे ही बोले ना? Good. अब जो लड़का खड़ा है वो दो तीन पुस्तकें और निकाल ले। तैयार? तो अब बाकी सब बच्चे अंग्रेजी में बोले, ये उसकी पुस्तकें हैं। चलो बोलो अंग्रेजी में। These are his books. ऐसे ही बोले ना? Good. अगले 15 मिनट तक टीचर जी इन वाक्यों का अभ्यास कराएंगे, अलग अलग चीजों का प्रयोग करके। This is his pen. These are her pencils. ऐसे वाक्य बनानी है। पाठ खत्म होने से पहले एक गाना सुनोगे? ध्यान से सुनना कि इस गाने में जिस तरीके से तालियां बजाई गई हैं, उसमें क्या खास बात है? तो सुनो। कल्लू का गाना पसंद आया? हम इसे अगले